दोस्तों बात ऊंची हो तो बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन आवाज ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। हाय दोस्तों, मैं प्रमोद मौर्य आपका दोस्त। एक छोटी सी कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक लड़का था जो सेठ के पास नौकरी किया करता था। बहुत गरीब घर से था वो, शहर में कमाने खाने के लिए आया था। वो जहाँ नौकरी करता था उसके साथ में एक रूम था, रूम में वो अपना रहा करता था, रोटी बनाता खाता उसका था। हुआ क्या कि जब वो रोटी बनाता था, रोटी बनाने के बाद जो हाथ पैर मुंह धोने जाता था खाना खाने के लिए, तो वो एक रोटी गायब हो जाती थी, एक चपाती उसकी गायब हो जाती थी। वो परेशान हो गया कि ऐसा क्यों होता है, मैं रोटी तो चार बना के गया लेकिन एक रोटी गायब है, तीन बची, ऐसा कैसे हुआ, कौन चुराता है मेरी रोटी को। दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, उसने खाना बनाया, रोटी बनाई, चार चपाती बनाया, हाथ धोने गया, रोटी गायब। तीसरे दिन उसने क्या किया, हाथ धोने नहीं गया कि आज मैं चेक करता हूं मेरी रोटी को चुराता कौन। वो तीसरे दिन की बात क्या है कि देख रहा है वो कि रोटी बना के रखा चपाती को, एक चूहा निकल करके आया, जिसको हम रैट बोलते हैं, वो चूहा निकल कर आया, उसको रोटी को लेकर के वो अपने बिल में जा रहा था। ठीक है, तो इसने उसे पकड़ लिया, लड़के ने चूहे को पकड़ लिया, बोला भाई मेरे हिस्से की रोटी आप क्यों ले जा रहे हो, क्यों मेरे से चोरी कर रहे हो, मैं बड़ी मुश्किल से रोटी इकट्ठा कर पाता हूँ और मेरा पैसा बहुत कम मिलता है, मैं अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से घर पे पैसा भेज पाता हूँ, मम्मी पापा को, आप मेरे हिस्से की रोटी क्यों खा रहे हो। तो चूहे ने कहा कि देखो भाई मैं अपने हिस्से की खाता हूँ। ये लड़के ने कहा मैं बनाया हूं तो आपके हिस्से की कैसी हो गई। फिर चूहे ने बोला मेरे हिस्से की है। दोनों की बहस होती है, फिर बहस में वो चूहे बोला देखो बहस करने से कोई फायदा नहीं है, मैं अपने हिस्से की खाता हूं बस, आपको अगर ये सवाल का जवाब चाहिए तो एक इंसान है जो इस सवाल का जवाब आपको दे सकते हैं। लड़के ने बोला ठीक है, बताओ कौन इंसान है जो मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो चूहे ने बोला कि गौतम बुद्ध जी है जो आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। हुआ कुछ ऐसा, उसने बोला कहां मिलेंगे, तो ये चूहे ने बोला कि एक पहाड़ी, क्योंकि चूहा आपको पता है कि जहां इंसान नहीं पहुंचता वहां चूहा पहुंच जाता है। तो इसने बोला चूहे ने कि एक पहाड़ी, उस पहाड़ी के आगे आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आपको वो गौतम बुद्ध जी बैठे हुए मिलेंगे, वहां आपके सवाल का जवाब दे देंगे। तो ये लड़का निकल गया, उस गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए निकल गया और चलते 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 रास्ते में बड़ी देर हो गई, रात हो गई, रात हुई तो एक जंगल सा आया। जंगल में पहुंचा तो वहां पर कोई भी जगह रहने की नहीं थी, व्यवस्था कोई नहीं थी जहां वो रुक सके, जहां पर वो खाना पीना खा सके या थोड़ी आराम कर सके। तो वहां पर एक मकान दिखा उसको, उस मकान में गया, उस मकान में एक औरत रहती थी, बूढ़ी माँ रहती थी और उनकी एक 20 साल की लड़की रहती थी। वहां पे गया, बोलता है माता जी मुझे थोड़ा सा रात में रुकना है, अगर आप थोड़ी जगह दे दे क्योंकि मुझे थोड़ा और आगे जाना है कल सुबह। तो माता ने पूछ लिया कि बेटा कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जाना आपको। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक सवाल है, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा था, तो उस सवाल का जवाब लेने में गौतम बुद्ध जी के पास में जा रहा हूँ पहाड़ी से आगे। तो माता जी ने बोला ठीक है, मेरा भी एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि मेरी बेटी 20 साल की है, वो कुछ बोलती नहीं है, मेरे सवाल का भी क्या आप जवाब मान सकते हो गौतम बुद्ध से, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो गई मैं जा नहीं सकती। तो लड़का बोला ठीक है माता जी, मैं आपके बेटी का सवाल जो है वो भी मैं वहां पे पूछ लूंगा। तो रात भर लड़का रुका, सुबह हुई, चलना शुरू किया, चलते चलते आगे बढ़ा, आगे गया तो बहुत बड़ी पहाड़ी मिली। वो पहाड़ी पे चढ़ भी नहीं सकता था, पहाड़ी से उस पार उसे जाना था, वो जाए कैसे, कोई सुविधा नहीं थी, कोई साधन नहीं था। तो वहां पर एक जादूगर मिला, उसे देखा कि इधर उधर भटक रहा है, प्रयास कर रहा है पहाड़ी चढ़ने का, पहाड़ी चढ़ नहीं पा रहा। एक जादूगर मिला तो इसने उस जादूगर से बोला कि भाई साहब मुझे इस पहाड़ी से उस पार में जाना है, कोई रास्ता आपके नजर में है तो मुझे बता दो। तो उस जादूगर ने पूछा कि क्या करने जा रहे हो पहाड़ी से उस पार। इसने कहा गौतम बुद्ध जी उनके पास मैं जा रहा हूँ, मेरा एक सवाल है कि मेरा एक सवाल है और मैं उस सवाल का अपने जवाब लेने जा रहा हूँ। तो उस जादूगर ने बोला ठीक है, मेरा भी एक सवाल है, अगर मेरे भी सवाल का आप जवाब ले आते हो तो मैं आपको पहाड़ी के उस पार जाने का रास्ता बता देता हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जादूगर बोला कि मेरा, मैं इतने दिन से 1000 साल से मैं ये जादूगर का काम कर रहा हूं, लेकिन अब उब गया हूं, बोर हो गया हूं, 1000 साल हो गया है, तो मैं चाहता हूं मुझे स्वर्ग मिल जाए, ये आप जो है जवाब जरूर वहां से लेके आना गौतम बुद्ध जी से। वो लड़का बोला ठीक है। तो जादूगर ने छड़ी घुमाई और इस लड़के को पहाड़ी के उस पार भेज दिया जादू से। फिर उसके बाद वो थोड़ा दूर और चला, थोड़ा दूर चलने के बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ी नदी आती है, झरना आता है। अब उस झरने के नदी के उस पार इससे जाना होता है लड़के को। अब वहां पर फिर कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया, अब क्या करें। तो वहां पर भी रास्ता देख रहा, कोई ना वहां पे नाव है, ना कोई जाने का रास्ता है, ना कोई पुल है, कुछ भी नहीं है, परेशान हो गया। उसे एक कछुआ दिखाई दिया बड़ा सा, उस कछुए से बोला भाई साहब मुझे इस नदी के उस पार जाना है, कोई रास्ता है जाने का। तो कछुआ बोला ठीक है रास्ता मैं बताऊंगा, लेकिन ये बताओ आप जा क्यों रहे हो, कहां जा रहे हो। तो लड़के ने बोला कि मैं जा रहा हूं गौतम बुद्ध जी के पास में, और मेरा एक सवाल है, उस सवाल का मैं जवाब लेने जा रहा हूं। तो कछुआ बोला ठीक है, मैं आपको अपने पीठ पर बिठा करके इस झरने को पार करा दूंगा, नदी के उस पार आपको पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, उस सवाल का जवाब आपको लाना होगा। तो लड़के ने बोला ठीक है बताइए। तो कछुआ बोला कि मुझे 500 साल हो गए हैं और मैं ड्रैगन बनना चाहता हूं, क्या उपाय है और कैसे मैं ड्रैगन बन सकता हूं।
उसके बाद में वो लड़का बोला ठीक है जी, आपके सवाल का भी मैं जवाब लेकर के आऊंगा। अब नदी पार किया, पैदल गया, थोड़ा दूर जाने के बाद में वहां वो मठ पर पहुंच गया, भंते जी के मठ पर, गौतम बुद्ध के कुटिया में पहुंच गया। वहां जाने के बाद कुछ प्रवचन चल रहे थे, वहां पर बैठा थोड़ा देर। बैठने के बाद जब प्रवचन खत्म हो गए तो वहां पे गौतम बुद्ध जी बोले कि हाँ बच्चा बताओ आप क्यों आए हो, क्या काम है। तो इसने बोला कि मेरे कुछ सवाल है। इसने ये नहीं बोला मेरा एक सवाल है, ये लड़के ने बोला कि मेरा कुछ सवाल है, उसका आंसर मुझे चाहिए, बहुत दूर से चल करके आया हूं। तो गौतम बुद्ध जी बोले कि आपको तीन ही सवाल के जवाब मिल सकते हैं, चौथा नहीं मिल सकता है। फिर लड़के ने सोच में पड़ गया कि कौन सा सवाल का, मैं वो बूढ़ी माता जी का सवाल छोड़ूं कि मैं वो जादूगर का सवाल छोड़ दूं कि मैं वो कछुआ का सवाल छोड़ दूं या मैं अपना सवाल छोड़ दूं, ये सोच में पड़ा। फिर बंते जी बोले, यानी गौतम बुद्ध जी बोले कि आपको तीन ही सवाल के जवाब मिलेंगे और जल्दी से मानिए क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है। फिर इसने सोच विचार करने के बाद क्या किया, इसने तीनों सवाल के जवाब मांगे कि एक बूढ़ी माँ थी जिन्होंने कहा मेरी बेटी 20 साल से बोलती नहीं है, वो कैसे बोलेंगी। फिर उसके बाद में जादूगर का बोला कि जादूगर है वो स्वर्ग जाना चाहता है, उसका सवाल। फिर उसके बाद कहा कि कछुआ है, कछुआ जो है ड्रैगन बनना चाहता है, उसका सवाल। तीनों का सवाल पूछ लिया और वापस चले आए। वापस आए तो वापस आते समय सबसे पहले कछुआ से मुलाकात होती है। कछुआ बोलता भाई साहब मेरे सवाल का जवाब क्या आपने पूछ लिया गौतम बुद्ध जी से। तो उसने बोला हाँ, जैसे वो कछुआ उस आदमी को नदी पार कराता इस पार लेके आता है, ये लड़का उस सवाल का जवाब देता कि भाई साहब आप एक काम करो, ये जो कवच है इस कवच को उतार दो, इस कवच से आप बाहर आ जाओ, आप ड्रैगन बन जाओगे, ठीक है। तो वो कछुआ बोला ठीक है जी, वो अपने कवच को उतार दिया, उसका त्याग कर दिया और वो तुरंत ड्रैगन बन गया। जैसे कवच छोड़ा उसमें बहुत सारा हीरे मोती मिले। तो वो ड्रैगन बोला कछुआ कि इसका मैं क्या करूंगा, आप इंसान हो आपके काम आएगा, ले जाओ। तो इसे दे दिया। फिर उससे और आगे आया तो वो मिला उसको जादूगर, जो जादूगर उसको वहां पे मतलब पहाड़ को उस पार ले आया था, वो जादूगर उस पहाड़ पर मिला तो आवाज लगाया मिला। फिर उससे इस पार ले आया जादूगर, बोला कि मेरे सवाल का जवाब क्या आप मांगकर लाए हो गौतम बुद्ध जी से। तो लड़के ने बोला हाँ आपके सवाल का जवाब ले आया हूं। गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि ये जो छड़ी आपके हाथ में है, जादू की छड़ी है, इसका त्याग कर दो, इसे छोड़ दो, आपको स्वर्ग नसीब हो जाएगा, स्वर्ग में चले जाओगे। तो ये जादूगर बोला ठीक है जी ये लो छड़ी। बोला ये छड़ी का करूंगा क्या, ये आप ही ले लो छड़ी, मेरे किसी काम की नहीं, मैं तो उब गया हूं, मुझे स्वर्ग चाहिए। ये छड़ी इस लड़के को दे देता है, जादू वाली छड़ी, और उसको तुरंत स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। फिर वो लड़का और आगे आता है, फिर वो रास्ते में वो बूढ़ी माँ का मकान पड़ता है जंगल में, वहां आता है। फिर वहां पे जाता है, माता जी आती है, पूछती है बेटा मेरे सवाल का जवाब ले आए, मेरी बेटी बोलती नहीं है, कैसे बोलेगी। तो उस लड़के ने बोला माता जी गौतम बुद्ध जी बोले हैं आप अपने लड़की की शादी कर दीजिए और ये बोलना शुरू कर देगी। फिर इसके बाद में माता जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात भी है, और आज मेरे खुशी का दिन है क्योंकि आपसे बढ़िया दूल्हा मेरे बेटी के लिए कहाँ मिलेगा। ऐसा करो बेटा आप ही मेरी बेटी से शादी कर लो ताकि उसका भी नसीब जाग जाए। अब वो लड़के के साथ में क्या था, लड़के के पास में था वो जादू वाली छड़ी, और उसके बाद में वो था उसके पास में ढेर सारा हीरे जवाहरात। उसके बाद उसको मिल गई एक सुंदर सी लड़की जिससे वो कर लिया शादी। तो एक साथ में उसको सब कुछ मिला, वो तब मिल पाया, वो सारी चीजें तब मिल पाई उसको जब उसने अपने सवाल को छोड़ दिया, अपने सवाल का त्याग कर दिया। कहने का मतलब है दोस्तों, जहां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इस किनारे पर रुकी है, इस किनारे पर रुकी है और उस किनारे जाना चाहती है, तो उसे अपना किनारा छोड़ना पड़ेगा, अपने सवाल को छोड़ना पड़ेगा। इस लड़के ने क्या किया, अपना सवाल छोड़ दिया, लोगों के सवाल को पूछ लिया, और लोगों के सवाल की वजह से इसकी जिंदगी बड़ी तेजी से बदल गई। तो इस किनारे से उस किनारे जाने के लिए ये वाला किनारा छोड़ना पड़ेगा। आज जो भी आपके पास में स्किल है, हुनर है, जो भी आपके पास में सब कुछ है, अगर आप उससे बेहतर चाहते हैं तो कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे पुरानी आदतें हो गई, पुराने सोच हो गए, पुराने विचार हो गए, पुरानी संगत हो गई, पुराने शब्द हो गए, पुराने कपड़े हो गए, बहुत सारी चीजें जो पुरानी, जिसे आप पकड़ कर बैठे हो और सोच रहे हो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो ऐसे बदलने वाली नहीं है दोस्तों। आपको अपनी इन पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के नई चीजें आपके जीवन में परिवर्तन होगी, और आप परिवर्तन होने के बाद में आप नया जिंदगी जी सकते हैं, आप जो चाहे वो अचीव कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहानी से क्या सीख मिली आप कमेंट करके जरूर बताना, और कहां से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं जरूर बताना। पहली बार अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह की मोटिवेशन वीडियो मैं जरूर लेकर के आता रहूंगा आपके लिए, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए कहां से वीडियो को देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कुछ नई वीडियो के साथ आपके बीच में आऊंगा, तब तक आप अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखिए। जय हिंद।